हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट. द सॉलिड स्टेट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th. हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में समझेंगे. सॉलिड क्या होता है? अब प्रीवियस क्लासेस में लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा था. इस क्लास में हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज. सबसे पहले सॉलिड क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर इन विच द आयंस एटम और मॉलिक्यूल आर हेल्ड सो स्ट्रांगली दैट दे कैन नॉट ईजली मूव पास्ट ईच अदर. दैट इज अ फॉर्म विच हैज़ रिजिड एंड पजेस अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. क्या मतलब है? यानी कि एक ऐसा मैटर जिसमें क्या होता है, आयंस एटम्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, सॉरी बंधे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं. इसके जनरल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? सबसे पहले तो इस कुछ इस टाइप का होगा. जैसे ये हमारे पास सॉलिड है, इसमें क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिस टाइप से क्लोजली पैक्ड होंगे, कोई स्पेस नहीं होता है इनके बीच में, जिसके से मूव नहीं कर सकते हैं. क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं. डेफिनेट शेप पहला, ठीक है, इनके अंदर जो होता है फिक्स शेप होता है. यानी मान लीजिए जैसे इसका एक फिक्स शेप है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर फिक्स शेप है, पेन इसका फिक्स शेप सिलेंड्रिकल, तो फिक्स्ड शेप होता है. दूसरा क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होगा. लो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि इसको जब हम ये यहाँ देख सकते हैं पार्टिकल्स क्या बहुत पास पास में, जब इसको हम प्रेस करेंगे, ये दबाएंगे इसको ऊपर से इस तरह से इधर से, तो क्या होगा, इसमें कोई स्पेस है नहीं पार्टिकल्स के बीच में, तो क्या होगा कि ये आपस में कंप्रेस नहीं होंगे, नहीं दबेगा. तो क्या होता है? लो कंप्रेसिबिलिटी होगा, हार्ड होता है, रिजिड होता है, ब्रिटल होता है, मतलब कि इसको तोड़ने पे टूट जाएगा, ब्रिटल होता है. नो फ्लूडिटी, मतलब नो फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है कि ये आपका इसमें प्रॉपर्टी का होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी लेस होती है या फिर नहीं होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, फ्लो करने की कम होती है. नेक्स्ट क्या है? पार्टिकल सॉलिड ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजिशन, राइट. मतलब अगर कोई भी हमारा क्या पता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और हमें पता है कि सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं. बट ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पास होते हैं, होने की वजह से ये मूव नहीं कर पाते, ये क्या होता है, वाइब्रेट ही कर सकते हैं, राइट. जैसे मान लीजिए आप बस में ट्रैवल करते हैं, तो आप क्या होता है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी, आप मूव कर रहे हैं, बट बस में आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस है आपने ट्रैवल कर रहे हैं, खड़े हैं, आपके आसपास बहुत ज़्यादा रश है, बहुत लोग खड़े हैं, तो क्या आप वहाँ पे मूव नहीं कर सकते, जस्ट वाइब्रेट होंगे, ठीक है, इधर से उधर हिलेंगे. तो इसी तरह से पार्टिकल भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें क्लोजली पैक्ड होने की वजह से, पार्टिकल्स को स्पेस न होने की वजह से, ये आपस में यहीं पर मूव करते हैं अपनी प्लेस पर. ये हो गई जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. कुछ इसके एक्सेप्शंस है, जैसे कि स्पंज, रबड़. स्पंज क्या होता है? स्पंज आपका एक, इसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, तो वो जब उसको हम प्रेस करते हैं चारों तरफ, तो क्या होता है, वो होल की वजह से एयर बाहर निकलता है और वो क्या होता है, दब जाता है. यानी इसमें क्या होता है, ये इस प्रॉपर्टी को, लो कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी को फेल कर रहा है, बट फिर भी स्पंज क्या होता है, सॉलिड होता है, बट ये क्या होता है, कंप्रेसिबल टाइप का होता है. इसका है रबड़, रबड़ भी आपका सॉलिड होता है, बट ये क्या होता है, सॉलिड में हमने बोला था कि इसका एक फिक्स जो है डेफिनेट सेफ होता है, राइट. बट यहाँ क्या, रबड़ में क्या है, रबड़ में जैसे हम उसको खींचते हैं, तो जब उसको छोड़ते हैं, खींचते तो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन जैसे उसको हमने छोड़ा, वो क्या था, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो उसको भी बोलते हैं सॉलिड. यानी कि सॉलिड की एक और ये प्रॉपर्टी होती है कि इट इज़ एबल टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा फोर्स. जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स लगा है, उसको जैसे हमने हटा दिया, क्या वो वापस अपनी प्लेस पे आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो भी हमारा सॉलिड ही कहलाता है. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को हम दो टाइप से क्लासिफाइड करेंगे. पहला क्या होगा, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. दूसरा देखेंगे बेस्ड ऑन इंटर मॉलिकुलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल. तो पहला देखते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. इसके बेस पे हम लोग सॉलिड को टू टाइप में क्लासिफाइड करेंगे. द फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकेंड इज अमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? दे हैव डेफिनेट
एंड रेगुलर ज्योमेट्री ड्यू टू डेफिनेट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, राइट। या फिर बोल सकते हैं दे हैव रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल, मतलब क्या होगा कि कोई सॉलिड जिसके जो पार्टिकल्स होंगे एक रेगुलर पैटर्न में होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन बोलते हैं। रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रिस्टलाइन। सपोज आपने वो चेस बोर्ड देखा हो, चेस बोर्ड में क्या होता है, रेगुलर पैटर्न होता है, एक ब्लैक होता है, फिर वाइट होता है, ब्लैक वाइट, ऐसे टाइल्स क्या होते हैं उसके अरेंज होते हैं, तो वो क्या एक रेगुलर पैटर्न बना रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा क्रिस्टलाइन टाइप का होता है, यानी कि पैटर्न बनता है, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। पहला क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होता है, मतलब द पैटर्न्स ऑफ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रिपीट थ्रू आउट द क्रिस्टल। सपोज आप एक बिल्डिंग में जाते हैं, राइट, तो वहाँ पे आपने एक पैटर्न का टाइल्स देखा, दो टाइप के टाइल्स है, वाइट एंड ब्लैक टाइल्स है, तो वो टाइल्स क्या है आपने देखा कमरे में भी ऐसे टाइल्स अरेंज है, राइट, यानी कि ब्लैक फ्रेज जैसे कुछ इस टाइप के, मान लीजिए सपोज मैं टाइल्स से ये ब्लैक हो गया, फिर ऐसे टाइल्स कुछ हो गया, ऐसे वो अरेंज है। कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है उसमें, तो आपने देखा कि उस कमरे में भी वैसा अरेंजमेंट है, वैसे वॉशरूम में भी है, गैलरी में भी है, बालकनी में भी, उसके लॉन में, मतलब तो पूरे हर जगह पे जिस बिल्डिंग के आसपास हर जगह सब तरफ वो क्या होता है इसी पैटर्न में अरेंज होता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। मतलब कि आपका कैसा होगा कि रेगुलर लॉन्ग मतलब लंबा अरेंजमेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या, ये जो ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे ऐसे ये हमारा ढेर सारे अरेंजमेंट होते हैं, सारे पैटर्न में है, यानी कि ऐसे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाले आइटम जो है ये इस टाइप का हेक्सागोनल टाइप का अरेंजमेंट ये हर जगह है पूरा, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज। इसके एग्जाम्पल्स तक क्वार्ट्ज। नेक्स्ट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब कि आपका शार्प का मतलब क्या, स्पेसिफिक पॉइंट को डिफाइन करा है, जैसे सपोज NaCl है, ठीक है, NaCl का मान लें हमने मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जब हम लोग NaCl को मेल्ट कराएंगे, हीट देंगे मेल्ट करने के लिए, तो कितना जरूरत होगा, 150 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो हमने क्या किया, पहले स्टार्ट किया रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से, फिर 50 गए, फिर 100 गए, 140 पे आए, 148 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, इस पे 149 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ नहीं हो रहा है, बट जब हम 150 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं तब जा करके वो मेल्ट होता है, ना ही 151 पे, इसीलिए 150 एग्जैक्ट जो पॉइंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट है उसी पॉइंट पे वो मेल्ट होगा, तो उसको बोलेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट थर्ड क्या है, क्लीन क्लीवेज। जब हम उसको बीच से कट करते हैं तो उसका जो सरफेस होता है, जो एजेस होते हैं, वो बहुत ही क्लीन होता है, जब हम उसको शार्प नाइफ से, अगर आप कोई क्रिस्टल लिया उसको शार्प नाइफ से कट करेंगे, तो बीच में जब उसका दोनों हाफ पार्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा, वो बीच में जो कट रहेगा, जो एजेस रहेंगे, ये जो सरफेस आएंगे, वो क्या होंगे, बहुत क्लीन आते हैं, तो वो भी कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहते हैं एनिसोट्रॉपिक नेचर। एनिसोट्रॉपिक नेचर का मतलब होता है द सॉफ्टेंस एग्जिबिटिंग डायरेक्शनल डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज़, मतलब कि वो प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, उसके साइन करने की प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सभी क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शोज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्रिज्म है, ठीक, जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म को हमने नीचे से देखना स्टार्ट किया, राइट, तो आपको इसमें कुछ अलग टाइप का लाइट के रिफ्लेक्शन पैटर्न दिखेगा, ठीक है, हम अगर ऊपर से टॉप से देखेंगे कुछ अलग ही इसमें से दिखेंगे रिफ्लेक्शन लाइट के, इसी तरह से इधर से देखेंगे तो अलग दिखेगा, फिर इधर से देखेंगे तो हमारा अलग दिखेगा, यानी कि जब भी इस प्रिज्म को हम जिस साइड से देखेंगे, हर एक साइड से इसकी जो प्रॉपर्टीज आएगी जिसमें रिफ्लेक्शन लाइट का, वो अलग अलग दिखेगा, तो इसी टाइप से, इसी का मतलब होता है एनिसोट्रॉपिक नेचर, मतलब होता है कि अपनी डायरेक्शनल में डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज़,
यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि हर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है, ये सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है। उसका शाइन करने का तरीका हो सकता है कि वो इधर चमक रहा हो एक साइड से, दूसरी साइड देखे तो नहीं चमक रहा हो, कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक नेचर, या फिर बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक नेचर। नेक्स्ट है एमॉर्फस। एमॉर्फस क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड दे डू नॉट हैव डेफिनेट और एनी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स एंड दस डू नॉट हैव एनी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब इनके पास कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगा, उसको बोलते हैं एमॉर्फस। दूसरा क्या होगा, शॉर्ट रेंज सॉलिड होता है, मतलब इसके पास जो रेगुलर जो रिपीटिंग अरेंजमेंट था, जैसे तो टाइल्स बता रहे थे कि कुछ टाइल्स अपने पैटर्न पे करें, ये मान लीजिए पैटर्न है, इस पैटर्न पे चल रहे हैं, तो कुछ देर जाने के बाद क्या होगा, ये इधर पैटर्न हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ अलग पैटर्न, यानी कि इसका कोई जो पैटर्न होता है कुछ थोड़ी दूर तक होता है, उसके बाद वो पैटर्न चेंज जाता है, तो उस क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट रेंज सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, ये हमारा क्वार्ट्ज ग्लास, ये एमॉर्फस है, यहाँ पे ये देखिए इसमें क्या है, क्रिस्टलाइन का है क्वार्ट्ज, इसमें क्या था पैटर्न था, एक पैटर्न था जो लंबी रेंज तक के था, लॉन्ग रेंज तक, बस इसमें क्या है पैटर्न जो है ये कुछ दूर तक चल रहा है फिर कहीं बिखर जा रहा है, कभी इधर उधर इस टाइप से कुछ, कोई पैटर्न फिक्स नहीं, शॉर्ट रेंज पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज पैटर्न, ये था एमॉर्फस। इसके आता है रफ़ सरफेस, जब इसको नाइफ से कट करेंगे, जब भी शार्प नाइफ से इसको हम कट करेंगे तो बीच में कैसे सरफेस क्या होगा, रफ़ है। फॉर एग्जांपल चॉक हो सकता है, डस्ट हो सकता है, वुड हो सकता है, जब लकड़ी कट करेंगे उसका जो हमारा जो सरफेस आएगा वो रफ़ रहता है, ठीक है। डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दे मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जैसे हमने क्या किया ग्लास लिया, ठीक, ग्लास को हम हीट करना स्टार्ट किया मेल्ट कराना, तो एक मान लीजिए वो आपका कुछ 90 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग पॉइंट उसका है, बट जैसे हम वहाँ पे 70-80 तक पहुँचे प्रॉक्स, या 90-92 तक पहुँचे जो भी, तो वो क्या करना है 70-80 से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, 70-80 डिग्री पे पहुँचते ही वो मेल्ट होना स्टार्ट, धीरे 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 मेल्ट करेगा, मेल्ट जितना हीट करेंगे मेल्ट करेगा, वो हीट करते जाएंगे अपने मेल्टिंग पॉइंट से भी, 90 डिग्री पे भी मेल्ट करेगा, 80 हो गया, 70 पे मेल्ट करना स्टार्ट कर रहा है, 80 तक पहुँचे, 90 तक मेल्ट करेगा, फिर 100 तक आएगा, यानी जितना उसको हम हीट करेंगे उतना मेल्ट होता जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा ग्लास पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोट्रॉपिक नेचर। आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब हो गया सस्टेन्स विद सो सेम प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन, यानी कि हर डायरेक्शन में वो सेम प्रॉपर्टीज वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, जैसे देखेंगे जैसे उसको हम लोग सेम डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज आएगा। एमॉर्फस को हम लोग स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड के बोलते हैं, सुपर कूल लिक्विड का मतलब होता है अगर आप एंशियंट बिल्डिंग्स में जाइए या फिर बहुत 100-200 साल पुराने बिल्डिंग्स हैं जिसमें आप देखेंगे ग्लासेस लगे हुए हैं, कांच ग्लासेस, उसमें उसको आप ध्यान से देखिए तो क्या होता है कि उसमें उसके टिप के साइड कुछ शार्पनेस रहती है ग्लास में, और जो बॉटम साइड है कुछ मोटा सब मोटा रहता, थिक रहता है, पत्थिन रहता नीचे थिक रहता है उस ग्लास में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होती है अमॉर्फस सॉलिड का टेंडेंसी होती है फ्लो करने का, राइट, फ्लूइडिटीज में होती है बट इतना अधिक नहीं होती है कि ये तुरंत जैसे पानी फ्लो करता है वैसे फ्लो करता है, ये बहुत स्लो फ्लो करता है कई सालों में ही, जैसे ये ऊपर की तरफ पतला हो जाता है जो ग्लास रहते हैं पुरानी बिल्डिंगों में जो 100-200 साल पहले की बिल्डिंगों, और नीचे की तरफ जो कांच रहता है वो मोटा हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो नीचे की तरफ फ्लो करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो नीचे की तरफ क्या आता है धीरे धीरे फ्लो करता रहता है, तो उसको इसीलिए उसको क्या बोलते हैं सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं, ठीक, सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है इसीलिए इसकी वजह से, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या होता है वो फ्लो करता है, फ्लोइंग नेचर होता है लेकिन बहुत स्लो करता है। स्यूडो सॉलिड का मतलब ऐसा सॉलिड जो सॉलिड
कैन नॉट फ्लो राइट, सॉइल फ्लो नहीं करता बट फिर भी वो फ्लो कर रहा है। इट मीन्स ये कि स्यूडो सॉलिड है आपका, यानी कि देखने में वो सॉलिड नहीं है, लेकिन सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फ्लो नहीं करता है, बट ये फ्लो करता है। लेकिन उसके बाद भी प्रॉपर्टीज की फ्लो, फिर भी इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। एमोर्फस की प्रॉपर्टी थी स्यूडो सॉलिड, या फिर सुपर कूल लिक्विड भी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था, बेस्ड ऑन इंटर मॉलिकुलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। हमें पता है हर पार्टिकल्स के बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो उसको बाइंड करते हैं राइट। इसके बेस पे हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट को। सॉलिड फोर टाइप्स के होते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिकुलर सॉलिड। फर्स्ट आयनिक सॉलिड, इट इज़ मेड अप बाय कैटायन एंड आयन। आयनिक है तो जाहिर सी बात है, जैसे NaCl है, NaCl में माइनस होगा प्लस होगा, यानी कैटायन होगा, देख क्या होगा, एनायन होगा। जब कैटायन एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड, दैट इज Na प्लस और Cl के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। यानी कि इनके बीच में कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ये हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे, पोलर नेचर के होते हैं, क्योंकि इस पर दो पोल है ना, दो आपका एक पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल है, तो दैट्स वाई कॉल्ड अ पोलर। तो ये पोलर है, तो पोलर जो होंगे सॉल्युबल किस में होंगे, पोलर सॉल्वेंट पे, लाइक एज लाइक जो होता है उसको फॉलो करेगा रूल को, यानी कि जैसा पोलर है तो पोलर में ही डिजॉल्व होगा। बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है इसमें, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो क्या होते हैं इसमें कोई भी कंडक्टर के लिए क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री आयंस होना चाहिए, तब जाकर इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, आपका बाइंड होता है, सारे जुड़े होते हैं, इसलिए क्या होता है, बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म, बट दे आर अ गुड कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट। लेकिन जैसे इसको हम लोग पिघलाएंगे, मॉल्टन स्टेट में लाएंगे, तो उसमें आयंस के बीच में क्या गैप बढ़ेगा, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप बढ़ेगा, तो क्या होगा वो हमारा कहलाए, उसमें क्या होगा वो कंडक्टर कंडक्टिविटी शो करेगा, यानी गुड कंडक्टर हो जाएगा इन मॉल्टन स्टेट। एग्जाम्पल NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O एंड KNO3 एक्सेट्रा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड मीन्स मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, जब कोई हमारे पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब हमारा जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल से हमारे पास आयरन है, आयरन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 3D6 4S2 कुछ इस टाइप का होगा। सिक्स मीन्स 1 2 3 4 5 6, हेयर इज द 1 2 4S2 एंड 3D6। यानी कि आयरन के पास कितने हैं, 1 2 3 4, फोर ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास आयरन है पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या है, फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन राइट। इसी तरह से मान लीजिए कोई हमारे पास आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन ढेर सारे आयरन होंगे, एक तो आयरन आइटम होगा नहीं, इसमें ढेर सारे होंगे, सभी पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर यहाँ पे आयरन होंगे, फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे चार, फिर इस पास इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो आयरन बीच में इसके न्यूक्लियस है, फिर इसमें इसके पहले भी आपका 3p होगा, 1s2s2p सारे कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ये लास्ट के कॉन्फ़िगरेशन को बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हमारा बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एकदम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन का समुंदर सा दिख रहा है। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, पहला इलेक्ट्रॉन फ्री में घूम रहा है, मतलब एक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन है, तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर होगा, तो उसका इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास करेगी। दूसरा कितना मैलेबल होता है, एक डक्टाइल्स होता है, डक्टाइल्स का मतलब उसको हम लोग वायर में कर सकते हैं, मैलेबल्स को पीट के पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे एग्जाम्पल आयरन, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, निकल एक्सेट्रा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट क्या है, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड मेड अप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड राइट, कोवेलेंट बॉन्ड से बना होगा, बैड कंडक्टर होंगे, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, आपस बाइंड किए रहेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, जिसकी वजह से उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, ब्रिटल होंगे, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे। कोवेलेंट आपको पता है कि सेम एलिमेंट के बीच में बनता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट सॉलिड के दो एग्जांपल और हैं एलेट्रॉप्स कार्बन के,
डायमंड एंड ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज भी थे, बोरोन नाइट्राइड भी होते हैं। तो यहाँ देखते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में। डायमंड कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप, उसका अरेंजमेंट होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्ड लेंथ कितना 154 पिकोमीटर का, हार्ड सस्टेंस होता है, इसका यूज हम लोग शार्प कटिंग करने के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत शार्प होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, sp2 होता है, बॉन्ड लेंथ 30 पिकोमीटर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यूज एज लुब्रिकेंट। अगर इसका हम शेप देखेंगे दोनों का, कैन सी द शेप स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, कुछ इस टाइप से पैटर्न है इसका। ये अरेंजमेंट है हमारा टेट्राहेड्रल, अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट ये हमारा, ठीक है। ये कैसा है हमारा, ये हमारा है कार्बन है, कार्बन से ये हमारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये कैसा पैटर्न, ये टेट्राहेड्रल, ये कैसा था, ये sp3 हाइड्रोजन रखेगा, ठीक है। ठीक है, अगर इनका अरेंजमेंट यहाँ देख सकते हैं, ये सारे ऐसे यहाँ पे इस टाइप से कुछ अरेंज हैं। ये हमारा स्टेज डायमंड के हम, जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में आपका कुछ हेक्सागोनल टाइप के लेयर्स बने होते हैं, राइट। फिर ये इस टाइप से कुछ बना होता है, ठीक, एक लेयर दो लेयर, तो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। और ये क्या होते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग क्या होता है, कुछ 3.35 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है यहाँ पे। और क्योंकि इनके बीच में इस टाइप के बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कैसे होंगे, ये बॉन्ड बहुत ही वीक होंगे और इसमें वीक बॉन्ड होने चाहते हैं, इसमें गैप भी है, तो ये हमारा क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स में फ्री घूम रहे हैं। और इसके बीच में जो ये जो क्या है लेयर्स हैं, ये लेयर्स कैसे कुछ इस टाइप से स्लाइड करेगा, राइट, कुछ इस टाइप से इस लेयर ये लेयर के बीच में क्या स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा इट मीन्स क्या होगा, ये हमारा लुब्रिकेंट जैसा बिहेव करेगा, यानी इसका हम यूज़ अक्सर लुब्रिकेंट में करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मॉलिकुलर सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा इसमें एंड वन डोर फोर्स होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर रिपीटिंग यूनिट, राइट। थर्ड कहते हैं पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसे प्रेजेंट होता है, इसके क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, इसका एग्जाम्पल होता है आइस, ग्लूकोज, नेपथिलीन सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर एसिड।